Good morning, dear student. I am your English teacher, and today again I am here with a new topic. And today's topic is a story. This is story for both 4th and 5th. Now let's read. Story name is The Two Cats and a Monkey. Once upon a time, there were two cats. They were good friends. Once upon a time, there were two cats. यानी एक बार की बात है. दो बिल्लियाँ थी. दे वर गुड फ्रेंड्स. वे आपस में गुड फ्रेंड्स थी. दे गॉट अ पीस ऑफ ब्रेड. उन्हें क्या मिला? एक ब्रेड का टुकड़ा मिला. दे बिगिन टू फाइट फॉर बिगर पीस. वो दोनों आपस में लड़ने लगी एक बड़े पीस को पाने के लिए. एट लास्ट सेम टाइम अ मंकी सो देम फाइटिंग. और अंत में उनकी क्या देर एक मंकी उनकी फाइटिंग को देख रहा था कि दोनों आपस में क्या कर रही है, फाइटिंग करनी है कि बड़ा मैं लूँगी ऐसे करके दोनों फाइटिंग कर रही थी. द मंकी सेड आई विल शेयर इट इक्वली. तो मंकी ने कहा कि मैं इस टुकड़े को आप दोनों में बराबरी से बांट दूंगा. ही बिट द बिगर पीस ऑफ टू मेक इट इक्वल. उसने क्या करा, अपना दिमाग लगाया और थोड़े थोड़े टुकड़े को खाने लगा उसको इक्वल करने के लिए. अगेन इट बिट द अदर बिगर पीस ऑफ पीस टू मेक इट इक्वल. उसने पहले बड़ा पार्ट खाया इक्वल करने के लिए, फिर बड़ा पार्ट खाया उसने इक्वल करने के लिए. बिट बाय बिट ही एट द होल ब्रेड. उसने क्या करा, बारी बारी से पूरा ब्रेड ही खा लिया. ही वेंट अवे हैप्पीली. और उसने उस पीस को खा करके बहुत खुशी से वो वहाँ से चला गया. द पुअर कैट्स लॉस्ट द ब्रेड. और उन दोनों बिल्लियों ने क्या करा, उस ब्रेड को खो दिया था. मॉरल इज वी मस्ट लर्न टू शेयर वॉट वी हैव. हमें क्या करना चाहिए, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी हमारे पास है उसे हमें क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए. सो चिल्ड्रन यू हैव टू रीड एंड राइट इन योर नोटबुक. ओके चिल्ड्रन, वी विल मीट टुमारो. टिल देन बाय बाय. थैंक यू.